हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, कल वाला वीडियो आप सभी ने देखा ही होगा। वो मैंने सिर्फ डांस का ही डाल दिया था और केक कटिंग होने जा रही थी, तो उसी के आगे से अभी मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की है, सेकंड पार्ट। तो अभी देख सकते हैं केक कटिंग होने जा रही है, उसके पहले हम लोगों के यहाँ टीका वगैरह लगाते हैं, तो वही मैं यहाँ पर लगा रही थी। तो अभी केक कटिंग वगैरह होगी और आप लोग इंजॉय करिएगा, ज़्यादा बातें तो नहीं करेंगे और म्यूज़िक लगा देंगे, आप लोग म्यूज़िक इंजॉय करना। तो अभी देख सकते हैं केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे मोनिका, हैप्पी बर्थडे डियर ओबेसिटी, ऐसे ही खाती रहो, मनाती रहो। हैप्पी बर्थडे ओबेसिटी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे केक कटिंग वगैरह हो चुकी है और अभी जो है सबको केक खिला रही है बर्थडे गर्ल। तो आप लोग एंजॉय करिएगा। और देख सकते हैं बच्चों ने बैलून्स वगैरह पहले ही सारे फोड़ दिए थे, क्योंकि बच्चों को मज़ा आता है, केक कटिंग होती है तो वो बैलून्स वगैरह ज़रूर फोड़ते हैं, तो वही कर रहे थे। तो उनको बच्चों को यानी थोड़ा बहुत डांटा था, तो इतने सारे बच गए, नहीं ये भी चले जाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को बैलून्स वगैरह फोड़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जा रहे हैं ये की नानी और सभी पूरी फैमिली मेंबर है। ब्लॉग में बताया ही था, बहुत सारे फ्रेंड्स जानते होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं जानते होंगे। तो ये इनकी मौसी हैं, यानी बर्थडे गर्ल की ही मौसी और उनकी दीदी लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करिए, म्यूजिक लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जीजा जी अपनी साली को पहना रहे हैं रिंग, देख सकते हैं, बहुत ही मजाक भरा ये बर्थडे था।
बहुत अच्छा लगा और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि जीजा जी ने दिया है रिंग यानी पहनाया है। और अभी देख सकते हैं केक वगैरह भी खिला रहे हैं और उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स बाबू आ गए मेरे भी केक खिलाने के लिए और यानी इसके दादाजी, और अभी इसके दादाजी भी केक खिलाएंगे इसको। अभी तो इसकी फ्रेंड्स वगैरह ही खिला रही हैं और उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स जितने भी गिफ्ट मिलते हैं अपना आराम से रखती, पैसे मिलते हैं अपनी जेब में रखती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा, फनी लगा। और हर बार जैसे ही इसको पैसे मिलते थे वैसे अपनी जेब में डालती थी, सब लोगों ने नोटिस किया होगा। और बाद में उसका वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था, देखेंगे अगर होगा तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और अभी देख सकते हैं यहाँ पे दादाजी भी पैसे दे रहे हैं और उसके बाद जो है और गिफ्ट मांग रही थी यहाँ पे कि कोई गिफ्ट चाहिए, तो दादाजी ने वहीं पे किसी ने दे दिया था, चॉकलेट रखी थी तो चॉकलेट गिफ्ट में दे दिया, तो वही हंस रही थी। ये देखिए अभी इसको पैसे कम लगे तो ज़्यादा मांग रही थी कि इसको और ज़्यादा चाहिए पैसे। तो अभी देख सकते हैं केक खिला दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर म्यूज़िक लगा देते हैं, आप लोग म्यूज़िक इन्जॉय करिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं उसके भाई यहाँ इधर छुपे हुए खड़े हैं क्योंकि जा नहीं रहे थे बर्थडे गर्ल को केक खिलाने के लिए, तो यहाँ पे इसको फिर भेजा गया। तो अभी देख सकते हैं ये गए हैं, दोनों ही मस्ती कर रहे हैं, मतलब उसके एक दीदी का लड़का और उसका भाई दोनों मस्ती कर रहे हैं केक खिलाने में। और मेरे इतने ज़्यादा यहाँ पर केक लगा दिया था फ्रेंड्स इन्हीं दोनों, मतलब मेरे भतीजे ने लगा दिया था और बहुत ज़्यादा केक लगा था। वो वीडियो था मेरे पास लेकिन पता नहीं क्या हो गया। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी और ये देखिए बच्चों के भी लग गया, सब एक दूसरे के लगाए इन लोगों ने, तो सभी लोग मुंह वगैरह साफ़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं अभी कितना ज़्यादा चिकना चिकना पूरा चेहरा हो गया क्योंकि पूरे फेस पे लग गया था, और केक लगना पूरा ऑयली ऑयली जैसा फेस हो जाता है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर खाना वगैरह होने लगा है, सभी लोग खाना खाने लगे हैं और अभी हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पर नीचे खा रहे थे, मैं जाती हूँ बाहर क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि नीचे खाने का मन ही नहीं किया। ये तय खाना है फिर भी, यहाँ ठंडा लगना चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आजकल कहीं पे भी ठंडा नहीं लगता है इतनी गर्मी होने के बाद। तो देख सकते हैं अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं खाना खाने के लिए क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और यहाँ पर स्पेस थोड़ा खुला था तो यहाँ पर इतनी नहीं लग रही थी। और यहाँ पर कस्टमर भी बैठे थे, यानी ढाबा है तो कस्टमर तो आएँगे ही खाना खाने के लिए, तो हम लोग भी यहाँ पर बैठे थे और वो लोग अभी अपना खा के चले जा रहे थे। तो देख सकते हैं अभी हम लोग खाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए क्योंकि टाइम हो गया था, 10-11 बज ही गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो ही जाता है इन सब चीज़ों में बर्थडे वगैरह में। तो देख सकते हैं अभी बच्चा बर्थडे यहाँ पे खा रही है और यहाँ पे अपना बातें भी करती जा रही है।
और फ्रेंड्स यहाँ पे म्यूज़िक लगा था, तो फिर मैंने कुछ भी रियल नहीं दिखाया ज़्यादा, क्योंकि फिर आप सभी को पता होगा कि म्यूज़िक अगर हम लोग डाल देते हैं बाहर की तो फिर इसमें कॉपीराइट आ जाता है। इस वजह से फिर हम लोगों को वॉइस ओवर या म्यूज़िक लगानी पड़ती है, यानी यूट्यूब की भी म्यूज़िक होती है तो वो यूट्यूब की म्यूज़िक लगा सकते हैं हम लोग। और अभी सभी लोग खाना खा चुके थे, और खाना खाने के बाद देख सकते हैं बर्थडे गर्ल ही अपनी फ्रेंड लोगों को छोड़ने जा रही थी उनके रूम पे, जहाँ पे ये लोग रहती, पास में ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, और इतने ज़्यादा मतलब जगह नहीं थी, एक के ऊपर एक लोग बैठी थी तभी हंस रही थी क्योंकि जगह नहीं थी बिल्कुल, और जाना तो था ही घर पर। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग भी निकलते हैं, और बच्चे तो चले गए हैं और हम लोग भी जाएंगे, और सभी लोग जा ही रहे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आप सभी को, पूरा देख सकते हैं खाली हो गया, और थोड़े बहुत लोग थे वो नीचे बैठे हुए थे। तो अभी हम लोग भी निकल रहे हैं घर के लिए, तो अभी बाबू से मिलने गए थे, तो अभी बाबू से भी मिलवा दूँगी आप सभी को। देख सकते हैं यहाँ पर छोड़ने भी गए हैं, मतलब बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो भाभी लोग छोड़ने गई उनको, और इधर बाबू से हाय करवा रहे हैं आप सभी को, तो आप लोग देखना वो हाय करते हैं क्योंकि सामान भी दे रहे थे कस्टमर को। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।